आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रिंटर के प्रकार। प्रिंट करने के तरीके के अनुसार प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, पहला इम्पैक्ट प्रिंटिंग, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। इम्पैक्ट प्रिंटिंग वे प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ करते हैं या अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं उन्हें इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। यह प्रिंटर निम्न है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर, यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक होता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में 9, 14, 18 या 24 पिनों का हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है। इन पिनों के रिबन से टकराने पर कागज़ पर प्रिंटिंग होती है। प्रत्येक पिन के रिबन और कागज़ पर स्पर्श से एक डॉट छपता है एवं अनेक डॉट मिलकर एक अक्षर बनाते हैं। एक बार में एक कॉलम की पिन प्रिंट हेड से बाहर निकलकर डॉट्स को छापती हैं, जिससे एक अक्षर अनेक चरणों में बनता है। इस प्रकार प्रिंट हेड लाइन की दिशा में आगे खिसकता या बढ़ता जाता है। इसमें प्रिंटिंग के हेड को कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसकी प्रिंटिंग गति 30 से 600 अक्षर प्रति सेकंड होती है। डेजीवील प्रिंटर, यह सोल्ड फॉन्ट वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजीवील इसलिए पड़ा क्योंकि इसके प्रिंट हेड की आकृति गुलबहार फूल के समान होती है। डेजीवील प्रिंटर धीमी गति वाला प्रिंटर होता है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी उच्च और स्पष्ट होती है, इसलिए इसका प्रयोग पत्र छापने के लिए किया जाता है। इसलिए इसको लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहते हैं। इसके प्रिंट हेड में एक चक्र होता है, जिसके प्रत्येक तान पर एक अक्षर उभरा होता है। इसमें एक छोटा हैम्बर होता है जो तान से टकराता है और तान रिवन से। रिवन के पीछे एक कागज होता है जिस पर अक्षर छप जाते हैं। इसमें व्हील घूमने से प्रिंटिंग होती है। लाइन प्रिंटर, यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति के प्रिंटर की आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने की बजाय एक लाइन पृष्ठ को छाप सकते हैं। इनकी प्रिंटिंग स्पीड 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। ये प्रिंटर मिनी वा मेनफ्रेम कंप्यूटर में बड़े कार्य हेतु प्रयोग किए जाते हैं। लाइन प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं, पहला चैन प्रिंटर, दूसरा बैंड प्रिंटर, तीसरा ड्रम प्रिंटर। चैन प्रिंटर, इस प्रिंटर में एक चैन होती है जिसे प्रिंट चैन कहते हैं। चैन में कैरेक्टर छपे होते हैं। प्रत्येक कड़ी लिंक में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं, जिससे हैमर कागज पर टकराकर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। बैंड प्रिंटर, इस प्रिंटर में एक बैंड होता है जिसे प्रिंट बैंड कहते हैं। यह प्रिंटर चैन प्रिंटर की तरह काम करता है। इसमें चैन के स्थान पर स्टील का एक प्रिंट बैंड होता है। इस प्रिंटर में हैमर एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है। ड्रम प्रिंटर, इस प्रिंटर में एक ड्रम होता है जिसकी सतह पर अक्षर उभरे रहते हैं। एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह होता है। ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं, जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं।